का, जिससे कहते हैं रिपोर्टर लाइव, क्योंकि इस बुलेटिन में हमारे साथ रिपोर्टर देश के तमाम कोने कोने से जुड़ते हैं, तमाम राज्यों से जुड़ते हैं, जो अपने प्रदेश का हाल ग्राउंड जीरो से बताते हैं। क्या कुछ बड़ी खबरें पूरे दिन में रहने वाली हैं, क्या कुछ खास अभी चल रहा है, इन तमाम खबरों के बारे में आपको बताते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से अजय चौहान हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। अजय, आज क्या कुछ बड़ी खबरें दिल्ली में हैं और किन बड़ी खबरों पर आपकी नजर रहने वाली, किस तरह की हलचल है? दीप्ति, देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरीके से एक बार फिर दोबारा से गाइडलाइन जारी की गई है परिवहन की तरफ से कि 15 साल और 10 साल पुरानी गाड़ियों को ब्रेक लगा दिया जाएगा, उसको आज गाइडलाइन जारी कर करके बोला गया कि जिस तरीके से पहली बार भी इस बारे में कहा गया था जब कांग्रेस सरकार थी, उससे पहले भी कई बार गाइडलाइन दी गई थी कि 15 साल जो पेट्रोल गाड़ी होगी उसको बैन कर दिया जाएगा और जो 10 साल डीजल गाड़ी होगी उसको बैन कर दिया जाएगा। आज एक बार फिर दिल्ली सरकार ने, यानी दिल्ली की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है कि 15 साल की 10 साल गाड़ियां बैन कर दी जाएंगी। यानी देखा है कि कहीं ना कहीं पब्लिक को फिर एक बार नुकसान उठाना पड़ेगा। और जारी भी किया गया है कि अगर आप पुरानी गाड़ी रोड पर लेकर उतरते हैं दिल्ली के अंदर तो आपकी गाड़ियों को जब्त कर दिया जाएगा और फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसकी सोल्यूशन के लिए उन्होंने वेबसाइट पर बाकायदा उसको डाला गया है कि आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं कि कब तक आपकी इसकी वैलिडिटी है। अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर आपकी गाड़ी का जो फिटनेस है वो खत्म हो गई है तो आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। दीप्ती, दूसरी बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से अभी जो तालिबान और अफगानिस्तान में जो बवाल कटा था वहां से जो हमारे हिंदुस्तान में कुछ शरणार्थी आए हुए हैं, अब देखना है कि संयुक्त राष्ट्र के आगे जो बसंत बिहार में एक ऑफिस है और उनकी मांग है, यानी दो दिन से वो धरने पर है, उनकी मांग है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर रोजगार व्यवसाय दिया जाए ताकि हम अपना जीवन रहे। और उन्होंने उसके साथ साथ मांग की गई है कि उसके यानी कि वहाँ पे जो कार्ड है, रिफ्यूजी कार्ड जो मांगा गया है कि उसके आधार पर हम किसी भी राज्य में देश में जा सकें ताकि अपना रोजगार व्यवहार कर सकें। कहीं माना जाए अगर इस तरीके से ही जो दूसरे देश के लोग आ रहे हैं अभी से इस तरह धरना प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इससे और भी ज्यादा कुछ देखने को मिल सकता है। दीप्ती, ठीक है, अजय आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे। और अब उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, जहां से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आज यूपी में क्या कुछ खास रहने वाला है? और सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं, जो बीजेपी की तरफ से कलश यात्रा निकाली जानी है, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद उनका जो अंतिम संस्कार किया गया, उनकी जो अस्थियां हैं वो विसर्जित की जानी है, ये कलश यात्रा कैसे निकाली जाएगी, कब निकाली जाएगी, क्या कुछ रूपरेखा होगी और क्या कुछ बड़ी खबरें आज यूपी की हैं? देखिए, अगर हम बात करें कल्याण सिंह के कलश यात्रा की तो सबसे पहले 25 तारीख के बाद से सरयू घाट से इस यात्रा की शुरुआत होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में अस्थि कलश यात्रा को जो है कार्यकर्ता लेके जाएंगे। आपको याद होगा जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई थी तो ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे भी जो है अस्थियां प्रवाहित की गई थी, उसी की तर्ज पर इस बार जो है सरजू में, प्रयागराज में और वाराणसी से शुरू करते हुए उत्तर प्रदेश के हर एक मजरे में, हर एक मंडल पे, हर एक ब्लॉक पर जो है इसकी सुनिश्चितता होगी और ये अस्थि कलश यात्रा जो है निकाली जाएगी। उसका कारण यह है कि कल्याण सिंह जो है वो काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बच्चा बच्चा जो है वो कल्याण सिंह को जानता था और वो बच्चा आज भाजपा कार्यकर्ता के रूप में है और अन्य लोग भी कल्याण सिंह से सीधे जुड़े हुए थे, तो उनके इस जोड़ने को लेकर ये पूरा उत्तर प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करेगा। 1 तारीख को, 1 सितंबर को अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, सीएम योगी समेत प्रदेश के सभी बड़े नेता, देश के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें दीप्ति, तो उत्तर प्रदेश में आज उज्ज्वला योजना भाग 2 की शुरुआत हो रही है, जहां पे 20 लाख महिलाओं को सीएम योगी आज लाभान्वित करेंगे। उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है गैस सिलेंडर का वितरण करेंगे, लाभार्थियों से बात भी करेंगे। इसके अलावा चित्रकूट में भी एक कार्यक्रम सीएम योगी का है। इसके अलावा अगर तीसरे बड़ी खबर की बात करें तो करीब 20 लाख से ज्यादा ऐसे राज्य कर्मचारी हैं जो पुराने पेंशन को लेकर काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे, पिछली सरकारों ने इनकी नहीं सुनी थी, लेकिन चुनाव ही सही अब योगी सरकार ने इस पे मुहर लगा दी है। अब 20 लाख ऐसे परिवार हैं, 20 लाख ऐसे पेंशनर हैं, राज्य कर्मचारी से जुड़े हुए लोग हैं जिनको पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दीप्ति, तो उत्तर प्रदेश में मौसम ने भी अपना जो है मिजाज दिखाना शुरू कर दिया। निरंतर 2 दिनों से बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी 2-3 दिन तक और जारी रहेगा। जी दीप्ति,
ठीक है, आप हमारे साथ प्रदीप बने रहिए, आपका रुख करेंगे और अब सीधे चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां आरिफ रशीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां से आरिफ, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जम्मू कश्मीर में? किन किन बड़ी खबरों पर आपकी नजरें लगातार बनी हुई हैं? किस तरह से हलचल देखी जा रही है? जी बिल्कुल दीप सिंह, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अगर बात करेंगे सियासी हलचल की, तो पिछले 370 और 35 के मनसूख के बाद जो है सियासी हलचल जो है धीमी हो गई थी, और धीरे धीरे हालात सुधर जाने के बाद जो है अभी सियासी गर्मी भी जो है जोरों पर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आए दिन देखेंगे तो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मीटिंग्स मुनक्कद की जा रही है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि क्या मंशूर है पार्टीज का और क्या खिदमत आगे करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर पीएचडी की बात करेंगे, कल भी यहाँ पे एक मीटिंग उनकी मुनक्कद की गई, जिसमें साफ जाहिर कर दिया गया कि उनका जो नारा है कि वो आर्टिकल 370 और 35A की वापसी चाहते हैं और लोगों को उस बारे में आगाह करते हैं कि हमारी क्या कोशिशें रहेंगी, और सीधे से वो जो सरकारी हुकूमत है जो भी उनको टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर के साथ जो है नाइंसाफी की है। और दूसरी जानब अगर बीजेपी को भी देखेंगे तो बीजेपी यही दावा करती है कि हम जो है जम्मू कश्मीर की तैमीर तरक्की के लिए हमेशा पेशपेश रहेंगे, और जिस तरह अभी तैमीर तरक्की का दौर शुरू हो गया, अगर बात करेंगे यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य की, तो कुछ दिन पहले ही जो डिप्टी गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से आदेश यहाँ पे दिए गए थे कि जो भी जिला तरक्याती कमिश्नर साहिबान है वो दूर दराज इलाकों का दौरा करेंगे, हर दो दिन एक हफ्ते में दो दिन के लिए दूर दराज इलाकों में जाएंगे और लोगों के मसाइल जो है उजागर करके उनको रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो उसी के पैसे मंजर में हर जिले में अगर देखेंगे, अगर अनंतनाग की बात करेंगे, तो आज भी यहाँ पे मटन इलाके में जो है दरबार लगने वाला है, जहाँ पे जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला भी जाएंगे और लोगों के जो मुश्किल है उनको हल करने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो अगर बात करेंगे कुल मिलाकर, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों के हवाले से जो है तेजी पकड़ी गई है और प्रशासन भी इस काम में जुट गई है कि कैसे जो है लोगों के मुश्किलात को है सुधारा जाए। जी दीप, ठीक है, आरिफ इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा, आपका रुख करेंगे और अब सीधे चलेंगे झारखंड का रुख करेंगे, जहां से रांची से हमारे साथ सूरज जुड़े हुए हैं। सूरज, आज क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, और अगर बात करें झारखंड सरकार की, तो लगातार झारखंड सरकार की तरफ से तमाम कवायद की जा रही है। पिछले दिनों जो बैठक हुई थी, शिक्षकों की भर्ती के लिए भी विचार किया जा रहा है, कब तक ये प्रक्रिया जो है शुरू की जा सकती है? देखिए, फिलहाल ये प्रक्रिया की अगर बात करें तो कल ये प्रक्रिया झारखंड कैबिनेट में इसे पारित कर दिया गया है। 2016 में जितनी भी यहाँ पे वैकेंसियां निकली थी पारा शिक्षकों की, उसे किस तरह से सरकार फुलफिल करेगी, इसे लेकर कल एक सहमति बनी है, जिसे राज्य सरकार ने उस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। अगर दूसरी अहम खबर की बात करें दीप्ति, सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि झारखंड में निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली में औद्योगिक घरानों के साथ एक समिट करेगी। ये 27 और 28 तारीख को दिल्ली में ही सीएम अधिकारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ ये बैठक करेगा और झारखंड में निवेश करने के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि झारखंड में आपने देखा कि निवेशकों के लिए पिछले सरकार ने भी कई यहाँ पे कवायद की थी, लेकिन इस बार राज्य सरकार खुद हेमंत सोरेन दिल्ली में 27-28 तारीख को उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे और उसे झारखंड में निवेश करने के लिए ऑफर देंगे। जाहिर तौर पर निवेशकों के लिए झारखंड एक ऐसा स्टेट है कि यहाँ पे हर संभावनाएं हैं, चाहे वो खनिज की बात करें या संपदा की बात करें, अकबरक की बात करें, कोयले की बात करें, तो तमाम चीजें झारखंड में, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ आज एक खाका तैयार करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली में उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे। अगर हम तीसरी और अहम खबर की बात करें तो कल झारखंड बीजेपी एसटी मोर्चा की तरफ से कार्य समिति की बैठक बुलाई है बीजेपी कार्यालय में। आज इन बैठकों को लेकर यहाँ पे एक खाका तैयार किया जाएगा, इस बैठक में क्या कुछ होगा इसे लेकर एक राय शुमारी यहाँ पे की जाएगी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा 12:30 PM। और इस बैठक में अगर बात करें, कल जो झारखंड इसकी मोर्चा की जो बैठक होनी है कल बीजेपी कार्यालय में, इससे पार्टी के जो संगठन मंत्री है पी सतीश के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मंत्री फग्गन सिंह गुलदस्ते समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। अगर हम चौथी और अहम खबर की बात करें दीक्षित, तो आपने देखे कल रांची के पौस इलाके में, लालपुर इलाके में, लालपुर बीआईटी एक्सटेंशन के पास अपहरणकर्ताओं ने एक जमीन कारोबारी राजेश मुंडा को अपहरण किया था, और उस अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं ने उनके परिवार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन आज पुलिस ने इस मामले को खुलासा करते हुए हजारीबाग से 5 युवकों को गिरफ्तार किया है जो अपहरणकर्ता है। वो 5 अपहरणकर्ताओं को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन जो मेन अपहरणकर्ता है विक्की, वो अब भी फरार है। तो जाहिर तौर पर यह रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, और जो अपहरणकर्ता जो विक्की फरार है उसे फिलहाल अभी रांची पुलिस धर पकड़ने के लिए टीम तैयार की है।
ठीक है सूरज, इन तमाम खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा। आपका रुख करेंगे और आप सीधे उत्तराखंड का रुख करेंगे, जहां देहरादून से हमारे साथ उपेंद्र राणा जुड़े हुए हैं। और उपेंद्र, आज क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, सियासी हलचल किस तरह से देखी जा रही है, क्योंकि बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, तो सियासी गलियारे से क्या कुछ खबरें हैं, उत्तराखंड सरकार की तरफ से जनता को लेकर क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, दर्शकों को बताएं मौसम को लेकर क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। देखिए दीप्सी, आज सबसे पहले जो बड़ी खबर है, जिस प्रकार से मानसून सत्र जिस प्रकार से उत्तराखंड में चल रहा है, और ऐसे में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, जो कि काफ़ी बड़ा हंगामेदार जो है वो रहने वाला है। विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने की जो तैयारी है वो लगातार उसमें जुटा हुआ है। जिस प्रकार से कल भी हमने देखा कि देवस्था नाम बोर्ड या भू कानून को लेकर जिस प्रकार से वो सदन के अंदर जो है वो धरने पर बैठ गए थे, और लगातार हालांकि मुख्यमंत्री ने उनको मनाने की कोशिश की और उसके बाद जो है उनको सदन पर बैठाया, लेकिन आज जब तीसरा दिन है तो आज भी कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि नियम 310 के तहत जो है आज कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो सदन के अंदर उठा सकती है, और उस पर जो है काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से दावे वो कर रही है कि इन 4.5 सालों में जो है कई युवाओं को जो है वो रोजगार दिया गया है, और जो जिस प्रकार से जो बाहर से आने वाले जो प्रवासी कोरोना काल में जो भारत से बाहर से जो प्रवासी आए थे उनको जो है स्वरोजगार से जोड़ा गया है, तो तमाम ऐसे दावे जो है सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं विपक्ष जो है नियम 310 के तहत जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठा सकती है और उस पर जो है सरकार को घेरने का काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी यह है कि नियम 58 के तहत वहीं सदन के अंदर आज उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा जो है जिस प्रकार से जो पुलिस कर्मियों का जो ग्रेड पे का जो मसला है वो जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और इसको लेकर जो है लगातार जिस प्रकार से हमने देखा कि जो पुलिस कर्मचारियों के जो परिवार के जो लोग हैं वो भी लगातार धरना प्रदर्शन करते आए, सरकार से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जो 4600 ग्रेड पे का जो मसला है इसको हल किया जाए और जो कर्मचारी हैं उनको 4600 ग्रेड पे दिया जाए। आज उस मसले को लेकर जो है विपक्ष जो है सदन के अंदर हंगामा करती हुई दिखाई देगा और कहीं ना कहीं सरकार से जवाब मांगती हुई दिखाई देगी, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि आज सदन का जो तीसरा दिन है वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। वहीं दूसरी बड़ी खबर विधानसभा से यह भी कि जिस प्रकार से जो है बजट जो है वो रखा गया है, सदन में जो विकास कार्य जिन विभागों को आवंटन हो पाया है अरे रुके पैसा आवंटन नहीं हो उसको जो है आज 800 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो सदन के अंदर रखा गया है। इस पर जो है आज शाम को 4 बजे के बाद जो है इस पर सदन में चर्चा होगी। तो तीसरी बड़ी खबर यह है कि जिस प्रकार पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से 3 विधायक और 3 मंत्री जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, जो कि आज कांग्रेस के जो पंजाब प्रभारी हैं हरीश रावत उनसे मुलाकात करने के लिए आज देहरादून आ रहे हैं और 11:30 बजे के करीब जो है उनसे वो मुलाकात करेंगे। और इससे ठीक है उपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और आपका रुख करेंगे फिर। और अब हमारे साथ हरियाणा से शिवानी लोहिया जुड़ी हुई हैं। शिवानी, आज क्या कुछ बड़ी खबरें हरियाणा की है, सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल है, और अगर मौसम को लेकर बात करें तो वहां पर मौसम का मिजाज किस तरह से है, क्या कुछ बड़ी खबरें आज की हैं? बिल्कुल, सबसे पहले अगर सियासी गलियारों की शुरुआत उसका जो सिलसिला था उसको बढ़ाने के लिए लगातार जो है प्रदर्शन कर रहा था, और आज भी जो ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष के ऊपर ही आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि हमें समय कम दिया गया है अपनी बात रखने का। लगातार उन्होंने आरोप लगाया है सत्ता पक्ष पर कि हमें बात करने का जो मौका है वो नहीं दिया जा रहा है, और फिलहाल जो सत्र है उसी में जो है लगातार पेपर लीक का जो मुद्दा है वो हरियाणा में सबसे अहम फिलहाल माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो है युवाओं में काफी जो रोष है, क्योंकि तकरीबन 2 साल के बाद पहले लॉकडाउन लगातार दो सालों तक लॉकडाउन रहा, और फिर उसके बाद जब हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ और वो लीक हो गया, तो उसके बाद जो है काफी
जो युवा है वो परेशान है और ये मुद्दा जो है लगातार जो है सत्र के अंदर उठाया जा रहा है। और साथ में पेपर लीक मामले में फिलहाल 3 गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन सबसे अहम बात ये बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक मामले में कोई बड़ा अधिकारी जो है संलिप्त हो सकता है, क्योंकि बिना बड़े अधिकारी के इतना बड़ा जो 2 साल से जिसका युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे पेपर लीक नहीं हो सकता, तो ये मामला लगातार हरियाणा में सबसे ज्यादा तूल पकड़ रहा है। अब बात करेंगे दीप्ति दूसरे मुद्दे की, जो दूसरा मुद्दा है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में खोरी गांव, फरीदाबाद के खोरी गांव को जो है खाली कराया गया था, वो जो है वन विभाग की जगह पर यानी कि अरावली की जगह पर बसा हुआ था। पूरे देश में इस मामले को जो है काफी जो है तूल मिला था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें खुद जो है ये निर्देश दिए थे कि खोरी गांव की जगह को जो है खाली कराया जाए, और क्योंकि वो अरावली की जगह है। और इसी के चलते सोहना को भी जो है, सोहना में भी कई ऐसी जगहें जो है वो ड्रोन कैमरे के द्वारा ऐसी कैप्चर की गई है, कई ऐसे मकान बताए जा रहे हैं, लगभग 300 मकान ऐसे बताए गए हैं सोहना में जिनको जिन्हें वन विभाग की जगह में बताया जा रहा है, और वन विभाग द्वारा उन मकानों के मालिकों को जो है नोटिस दे दिया गया है और 1 हफ्ते का यहाँ पर उनको अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन साथ ही अब जो सोहना वासी हैं वो उन 300 परिवारों के साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने कल 26 तारीख को एसडीएम को ज्ञापन सौंपने की जो है एक रणनीति बनाई है, और कल वो लोग जो है एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे जो है ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं इन 300 परिवारों के रहने का जो इंतजाम है वो सरकार करे। और साथ में इसके साथ ये भी मुद्दा उठ रहा है कि क्या सिर्फ जो सरकार के जो कैमरे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के मकान आ रहे हैं, क्योंकि अरावली में कहीं ना कहीं इतने फार्म हाउसेस जो है वो बने हुए हैं लेकिन सरकार जो प्रशासन है कहीं ना कहीं उनको अनदेखा करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के चलते जो सोहना में 300 मकान के साथ जो और भी जनता जुड़ी है और जो लोग उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं उन्होंने साफ तौर ये कर दिया है कि वो सबसे पहले सरकार की आंखें खोलेंगे और अगर उनको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ता है तो वो उसके लिए तैयार यहाँ पर बैठे हैं। अब तीसरी बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, हाल ही में जो सीएम मनोहर लाल है उन्होंने ई रिक्शा जो है चलाए थे 600 को हरी झंडी भी दिखाई थी, और उसके बाद जो गुरुग्राम में जो पीले रिक्शा है यानी कि जो ऑटो रिक्शा है उनको बंद करने के निर्देश दे दिए गए थे जो डीजल वाले हैं। लेकिन इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि इसी के साथ सीएनजी जो ऑटो रिक्शा है वो भी चलने नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके चलते लगातार जो है ऑटो रिक्शा वाले अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बीते दिन उन्होंने जो है रिक्शा बंद किए, लोगों को यातायात में काफी परेशानियां हुई, लेकिन और आज का जो आधा दिन है वो भी इसी तरीके का दिखती रहा है। और जो ऑटो चालक हैं उन्होंने साफ तौर पर सरकार को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उन्होंने अपने इस निर्देश को वापस नहीं लिया तो वो खुद आत्मदाह कर लेंगे। दिप्ती ठीक है, इन तमाम बड़ी खबरों पर शिवानी अपनी नजर बना के रखिएगा, आपका रुख करेंगे। और एक बार फिर से उपेंद्र के पास चलेंगे जो कि उत्तराखंड देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आप लगातार बता रहे थे कि जिस तरह से मानसून सत्र चल रहा है विपक्ष की तरफ से हंगामा पूरी तरह से, पिछले 2 दिन भी देखा गया, आज 3रा दिन है, जाहिर तौर पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और हंगामा करता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। इसके साथ ही मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारियां दर्शकों को दीजिए। देखिए दिवसे, अगर मौसम की अगर बात की जाए तो अभी जिस प्रकार से मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक जो है उत्तराखंड के कई जगहों पर जो है तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, और कल देर रात जिस प्रकार से तेज बारिश देखने को मिली ऐसे में कई जगहों पर नुकसान भी की खबरें भी जो हैं वो आ रही है। जिस प्रकार से देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून के गढ़ी कैंट के संतला माता मंदिर के पास जो है कल बादल फटने की सूचना मिली, हालांकि किसी भी प्रकार की ज़्यादा नुकसान होने की सूचना नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुछ ही देर में जो है वहाँ पर निरीक्षण करेंगे और जायजा लेंगे कि कितना नुकसान जो है वो वहाँ पर हुआ है, क्योंकि देर रात जिस प्रकार से वहाँ पर हादसा हुआ है, काफ़ी पानी जो है वहाँ पर आ चुका था, कई घरों में जो है वहाँ पर मलबा भी आ गया था, जिसके बाद जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी वहाँ पर जाएंगे। और वहीं अगर पहाड़ों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के जो कुमाऊं मंडल है, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, उन जगहों पर जो है काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और जिस प्रकार से की स्थिति हम लगातार 3-4 दिनों में देख रहे हैं कि काफ़ी भूस्खलन जो है पहाड़ों से कुमाऊं मंडल के
इसमें हो रहा है, तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना जो है आम लोगों को करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि चंपावत के टनकपुर में काफी बड़ा भूस्खलन जो है 3 दिन पहले जो है वो देखने को मिला, ऐसे में काफी नुकसान वहां पर हुआ और ऐसी स्थिति जो है वो लगातार बारिश के चलते जो है पहाड़ों में देखने को मिल रही है। और वहीं मौसम विभाग का अभी तक कहना है कि जिस प्रकार से जो पहाड़ और कुमाऊं मंडल में है सभी जगहों पर जो है तेज बारिश देखने को मिलेगी, वहीं मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी तेज बौछारें जो है वो बारिश की दिखेगी। हालांकि वहीं जो है मौसम विभाग ने जो नदी किनारे रहने वाले, जो नदी नालों के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। उस साथ ही मौसम जिस प्रकार से करवट बदल रहा है, वो लगातार तेज बारिश जिस प्रकार से हो रही है, ऐसे में एसडीआरएफ एनडीआरएफ और जो बीआरओ की जो टीमें हैं वो लगातार अलर्ट पर है, क्योंकि जहां पर भी भूस्खलन की स्थिति अगर हो रही है, जहां पर मलबा अगर सड़कों पर आ रहा है, तो ऐसे में बीआरओ की टीम जो है जेसीबी के द्वारा वहां पर मलबा हटाने का कार्य जो है वो कर रही है। वहीं साथ ही जिस प्रकार से जो है देखा जा रहा है कि जहां पर मार्ग काफी अवरुद्ध हो रहे हैं, ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना अगर करना पड़ रहा है, तो ऐसे में एसडीआरएफ की टीमें जो है वहां पर रेस्क्यू कार्य चला रही है, वहां पर जो है उनको आवाजाही के लिए जो है वो काम कर रही है। तो तमाम जगहों से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से अलर्ट है, जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने के जो है वो दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा भी दिए गए हैं, साथ ही प्रशासन के द्वारा भी जो है सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी दीप्ति, चलिए तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिपोर्टर लाइव में हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो से जानकारियां दी कि आज उनके प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, और इन तमाम बड़ी खबरों पर नेटवर्क 10 की नजर लगातार बनी हुई है, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।